कंजरवेशन ऑफ मास को राइट क्लियर सो कोई इक्वेशन अगर आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रही है सो वो बैलेंसड होती है कहने का मतलब है जितना मास आपके पास रिएक्टेंट साइड पर है अगर उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड पर है राइट right? सो so, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास्क को फॉलो करेगी और आपकी रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस होगी और इसको करने के लिए आपका सिंपल तरीका होता है कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स टू है हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर उसको आप सेम कर देते हो ऑन बोथ द साइड्स तो so, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है राइट सो so, अब हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं आपके पास क्या है सी ए थ्री पी टू प्लस आपके पास है वाटर फिर वो आपको दे रहा है सी ए ओ एच छोल्ड्रेस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका बन रहा है पी एच थ्री फाइन सो देखो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है सो आपको नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो दोनों साइड आपको यहाँ हो करना होता है काउंट करने होते हैं फाइन आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करती हूँ सो so, आपके पास कैल्शियम के तीन एटम्स आइटम्स एजेंटेट सो यहाँ आपको थ्री लगाना होगा कि के दो एटम्स है सो यहां पर अब आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना चाहिए अब प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं कि आपके हाइड्रोजन के एटम कितने हैं एंड ऑक्सीजन के कितने राइट सो हाइड्रोजन के यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं बात करती हूँ सो ये आपके पास कितने हो गए हैं ट्वेल्व राइट और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ